अस्सलामुअलैकुम लेकिन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार आपको पता ही है जब गाड़ी में बैठ के समझो व्लॉग स्टार्ट हुआ है तो समझ लो भाई हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। बाइक वाला से देख के गया ना मैं क्या बताऊँ, डार्लिंग चीज ही ऐसी है भाई। जब भी व्लॉग स्टार्ट होता है गाड़ी में समझ जाओ कि यार हम कहीं जा रहे हैं इम्पोर्टेंट काम से। तो अभी इम्पोर्टेंट काम डार्लिंग से रिलेटेड है, इसकी नंबर प्लेट और इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं और नंबर मैंने पसंद कर लिया है, पसंद का नंबर लगवा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा नंबर है जो सूट कर रहा है डार्लिंग पे। आप लोगों को मैंने कहा था यार गेस करो भाई, गेस करो, जो अच्छा गेस करेगा इंस्टा पे उसकी स्टोरी रीशेयर करूंगा। ठीक है, जो सही गेस करेगा, और हिंट दी हुई मैंने, जल्दी से बताओ, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, तब तक मैं गाड़ी चलाता हूँ। बाइक वाले भाई जा रहे हैं ना, इन्होंने ऐसे सलूट किया, ऐसे ही था भाई। हाँ, ऐसे सलूट किया भाई इन्होंने, मतलब लोगों को बहुत अच्छी लगती है यार, बाहर से देखने में बहुत अच्छी लगती है। फुल ब्लैक, फुल यार। ये इसका रिमोट है जिनको नहीं पता, ठीक है, और इससे ये कंट्रोल होती है। और क्योंकि ये गाड़ी जो है, मतलब आपको पता है कि डार्लिंग भी नंबर वन बाबा जी, इसकी गियर सस्पेंशन भी पाकिस्तान में सबसे बेस्ट वाली, तो ये यहाँ से भी कंट्रोल होती है डाउन अप सारी चीजें। और मैं आपको बताते चलूँ यार, जो डार्लिंग है ना, इसकी जो एयर सस्पेंशन लगी हुई है, मतलब वो ऐसी भी हो सकती है कि दो फ्रंट वाले टायर अप, दो फ्रंट वाले टायर डाउन, एक सिर्फ अप बाकी तीनों डाउन, मतलब आप जैसे चाहे इसको कंट्रोल कर सकते हो भाई। आपने अगर पैसे लगाए हैं तो फिर कुछ है तो लगाया ना चीज, यानी आगे से फ्रंट से खड़ी हो जाएगी, पीछे से बैठ जाएगी, और आप फिर चलाओ और चलते हुए ऊपर नीचे करो जितनी बार मर्जी करो, जितनी स्पीड में मर्जी चलाओ, कोई रोला नहीं है। और मोबाइल से भी कनेक्ट होती है, मतलब ऐप भी है इसकी, मैं बाहर हूँ तो वहाँ से भी मैं इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ। इतनी बेस्ट चीज है बाबा जी, इतनी बेस्ट चीज है। देखो ये यहाँ पर सारी चीजें शो कर रहा होता है। अभी मैंने इसको नॉर्मल, बहुत लो नहीं किया हुआ, बहुत अप भी नहीं किया हुआ, पहले जितनी थी उससे थोड़ा सा लो, और फुल डाउन से थोड़ा सा अप, ताकि नीचे लगे भी ना, और मैं क्योंकि थोड़ा जल्दी में हूँ फिलहाल ना। A few moments later. को यार माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, देख रहे हो, नजरे बद से बचाए अल्लाह पाक, बड़ी प्यारी लग रही खड़ी भी। अभी जाते हैं पेपर वर्क के लिए, दीदार करके आपको भी मजा आता होगा ना डार्लिंग का। देखो जरा, ओए होए यार, लास्ट टाइम जब हम गाड़ी लेके गए थे 0 मीटर, तब हसनैन भाई ने कॉपरेट भी बहुत किया था, और मुझे इनका रिएक्शन लेना भी था कि हम इनसे जो चीज़ लेके गए थे अब हमने उसको बिल्कुल बदल दिया है। गाड़ी सेम है लेकिन मॉडिफिकेशंस काफी चेंज है। हसनैन भैया को क्या रिव्यू है? हैरान रह गया, परेशान रह गया, मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप यही गाड़ी लेके गए हैं या ये कोई इम्पोर्ट की आपने गाड़ी। हमारी गाड़ी थोड़ी डिसेंट है तो लाइट्स लगवा सकते हैं, स्टीयरिंग के बारे में आप मुझे थोड़ा सजेस्ट करना है, लेकिन पास हो गए देख लो, अगर इन्होंने कह दिया पास तो फिर पास माशाल्लाह। देखो ये लेवल होगी, ये 1 है, ये 2 है, लाइक इसमें बंपी बहुत कम थी, ठीक, ये लास्ट 3 ये एक्चुअल है जो जो जैनमन आती है, जो जैनमन है, और बिल्कुल 0 करें अब जब गाड़ी का स्विच ऑफ करेंगे तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगी, और जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पर आपने रखी वहाँ पर आ जाएगी। बहुत जबरदस्त, अगर इसके रिम वगैरह हम थोड़े से मतलब चेंज करवा दें टायर, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी हाई है, ठीक, लो एंड प्रोफाइल लगाएंगे तो गाड़ी बिल्कुल ही जमीन से लग जाएगी। हो घर वापस आ गए, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट आज मैंने बहुत काम किया है, वो भी बहुत कम टाइम में, और अभी मुझे 2 से 3 गेम प्लेज और बनाने, मैंने 2 पबजी की वीडियोस बनाई है, मैंने रील बनाई है, मैंने ब्लॉग बनाया है, पोस्टिंग वगैरह किया है, ठीक है। तो भूख बहुत लग रही थी, माइंड से निकल गया था यार खाना नहीं खाया हुआ, तो अभी जो है ना खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद घर के काम भी करने हैं, अभी साफ सफाई करनी है, और फिर भाई सिलेंडर भरवा के लाना है, ठीक है, तो अभी उसके लिए भी जाना पड़ेगा अपने को। इसकी रील शूट की थी, स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, ठीक है, ये बैकग्राउंड बनाया थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ बैठ के मैंने जो है ना रिकॉर्ड की थी, लाइट ठीक पड़ती है यहाँ से ना, तो यहाँ बैठ के रिकॉर्ड किया था। जो पबजी खेलता है यार, मुझे बताओ जरा, ये मास्क देख के आपको कौन सा सूट याद आता है? आता भी है या नहीं? देखते हैं आप रियल पबजी लवर हो या नहीं, जल्दी से बताओ। सारे नूबड़े तो बताएंगे, जो प्रो प्लेयर्स हैं शायद वो भूल गए हों, नूबड़ों को याद होगा क्योंकि उनका निकलता नहीं है ना। सुबह चाय बनाने रखी थी, सिलेंडर खत्म हो गया था, वो आधी पक्की चाय सुबह से ऐसी पड़ी है, तो फिर बाहर से नाश्ता किया था, सिलेंडर लाएंगे तो चीजें ऐसी चल पड़ेंगी वापस से। कल इसमें चौधरी साहब ने चाय गर्म की और अंदर गिरा दी सारी, पता नहीं वॉश हुआ नहीं हुआ, ये देखो ऐसी पड़ी हुई सारी, जो गिरी थी वो एज इट इज पड़ी है। चौधरी साहब जिंदाबाद।
अभी मुझे साफ करना है यार। मैं ना बहुत अकेला हो गया हूँ। साइलेंट चला गया, हाजी चले गए, जिन चला गया और चौधरी भी जा रहे हैं और आमिर भाई और अहमद भाई जो हैं वो हमेशा मतलब साथ नहीं होते। मतलब दिल उदास हो रहा है और बोर होता रहूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना एक पेट रखा जाए जो कि मतलब हलाल पेट हो, हलाल नहीं मतलब गंदगी वाला ना हो, ठीक है, उसको रखना मना ना हो। और मैं समटाइम बाहर जाऊँ तो उसको इतनी मुझे टेंशन ना हो कि यार वो घर पर है, तो अकेले फील करने से थोड़ा सा उससे दिल लगा रहेगा। तो अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा पेट है जो हम ला के रख सकते हैं यहाँ पे और उससे दिल लगा रहे फिर। और वो मतलब खाना वाना रख दिया बंदा चला गया तो टेंशन भी ना हो यार, क्योंकि फिर हर जगह कैरी नहीं कर सकते। कैट्स उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, डॉग रख नहीं सकते। कुछ और सोचो। स्मेली जूते मेरे अभी तक बाहर पड़े हैं, जब तक इनकी स्मेल नहीं निकलेगी मैं इनको नहीं पहनूंगा। जब तक मेरे पास मैकबुक नहीं थी मुझे टेंशन रहती थी पावर बैंक। अब भाई इससे ना बहुत मसले हल हो गए, दोनों मोबाइल चार्ज हो जाते हैं और बैटरी भी गंदी खराब नहीं करती। गुड। मैं कल ये वाले शूज लाया था, आपको दिखाए नहीं थे, मतलब नॉर्मल कभी पहनने के लिए यार। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज नहीं है, बट मैंने कहा यार ब्लैक शूज स्कूल के टाइम की यादें ताजा कर लूं थोड़ी। पब्लिक यार दो इंपॉर्टेंट शूट्स आ रहे हैं जिनको मैं भी रिवील नहीं कर सकता, उसकी मालूमात लेते हैं राम रोहित से यार, उनकी डेट्स कब है ताकि चीजों को मैनेज करें। ब्लॉग्स बना के रखने पड़ेंगे, गेमिंग वीडियोस बना के रखने पड़ेंगे। जाके मिले जरा, पता करते हैं क्या डेट है, क्या रोल है, क्या सीन है, ठीक है, फिर आपको बताते हैं। तंग भी करता हूँ शायद। चौधरी रेस लगाते हैं, मैं लिफ्ट से तू स्टेडियम से, मैं तो जीत गया। डन 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 डन। ठीक है गाइस, हारेगा ये, जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा तो स्टार्ट होगी। ठीक है ठीक है डन। ओके पहले पहुंच जाऊंगा मैं, मैं जीतूंगा देखना, मैं जीतूंगा। चलो लेट्स सी लेट्स सी। शायद जीत जाए लेकिन मुश्किल है, सांस चढ़ जाएगा इतना मैं लिख के वो देता हूँ। मैं तो रेस जीता हूँ दो बार, ऊपर जाने में भी और नीचे आने में भी इनको बीट कर देता हूँ मैं, पर मुझे इसका मुश्किल लग रहा है। मुझे क्यों लग रहा है यार मेरी बारी में ना लिफ्ट स्लो जा रही है, शायद पहुंच जाए। मुझे लग रहा है मेरी बारी में ना लिफ्ट स्लो जा रही है। ओके 3 2 1 लच्छी। अभी आया ना, जस्ट अभी आया ना। गाइस वुल्फ जा रहा था, वुल्फ से मिलवाते हैं आपको और वुल्फ थोड़ी सी फ्यूरी की तारीफ भी करेगा, हमेशा फ्यूरी के लेता है करते यार। यार फ्यूरी पहली बार है, खुशी हुई है कि यार टॉप किया, कसम से पहली बार खुशी हुई है। अल्लाह करे क्वालिफाई हो जाए बस। हाँ। मेरी तरफ से मुनाल पे ट्रीट है पूरी टीम, भाई देख लो पूरी टीम को ट्रीट है वुल्फ की तरफ से अगर क्वालिफाई हो जाते हैं। आए 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 मजे आए। हाँ जी सर, आप मुझे बताएं शूट्स कब हैं? कब है शूट्स? क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे शूट कब है? शेरा का वो एपिसोड खत्म हो गया ना? हां अब खत्म हो गया। शेरा अब शेरनी के साथ भाग जाएगा। बताएं ना क्या कब है शूट? शूट तो कैंसिल हो गया। ये तो गलत है, ये बात तो मैं नहीं मान सकता। कौन से मुल्क में शूट है? थाईलैंड में। गाइस हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड फॉर द शूट और वो बहुत ही फैमिली फ्रेंडली शूट होगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे जॉनी भाई भी होंगे। जॉनी यस पापा। दो शूट है ना, एक थाईलैंड में, दूसरा मालदीव में। चलो गाइस रेडी हो जाओ, ब्लॉग्स आने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों को मजा आएगा। 5, 6, 7, 8 मतलब 1 तारीख से लेकर 10 तक एक शूट है, ठीक है, और फिर रमजान के अंदर दूसरा शूट है। रमजान में सोचो कौन होगा आपके साथ? कौन होगा आपका बेस्ट फ्रेंड? मेरा कौन सा बेस्ट फ्रेंड? आपका कौन है बेस्ट फ्रेंड? मेरे बेस्ट फ्रेंड बहुत हैं दुनिया में। बस ठीक हो गया, बस ठीक हो। चोई साहब देख लो, चोई साहब होस्ट कौन होगा? होस्ट गाइस होस्ट अगर हो जिंग जोंग पोंग, अगर दीपिका होस्ट हो यार और एक रमजान में और एक अभी है, फिर दीपिका ना हो, फिर कोई नेक बंदा होना चाहिए, फिर कोई रमजान वाले में कोई नेक बंदा होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना फजलुर रहमान सिम्बा से मिले, शूट पे जाएंगे तो बड़ा माहौल बनने वाला है, ठीक है। और रिवील अभी हमने लोकेशन आपको कर दी है, लेकिन उसके सारे बिहाइंड द सीन्स आप लोग देखोगे इंशाल्लाह, मजा आएगा। बाकी बाबा जी मैंने इनको बड़ा नंबर गेस करने को, आपको पता है नंबर? 0327 बता दू आपका नंबर सारा, एंड के दो डिजिट ना बताना। 0324 8 7 पहले आपने बोला था 037। तो यार यहाँ पे हम साजिद की वीडियो भी देख रहे थे, देखो ये लिटिल बैठा हुआ है बर्फ के अंदर बेचारा। बाबा जी क्या तो कंटेंट लगी है यार। हाँ इसको चोट भी लगी थी, उस पे लगी थी ना गाड़ी वाले शूट पे, गाड़ी वाले शूट पे। हाँ मेहनती बच्चा है बेचारा, मेहनती है बाबा जी, ऐसी जान डाल के रखता ना कंटेंट। मजा आता है, साजिद भी ऐसा मेहनती होता है ना, है ना। चलो चले गाइस, अगर इस वीडियो पे हो गए 30,000 लाइक 24 घंटे के अंदर, साजिद का मैं ऐसा सीक्रेट रिवील करूंगा आज से पहले किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, डार्लिंग को फॉलो करो और यहाँ पर आप मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे और यहाँ आर वे को अनफॉलो नहीं करो, नहीं करो आर वे को फॉलो करो यहाँ पे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दिल से लव यू, बहुत प्यार, अल्लाह हाफिज़। जाना भाई अब, अच्छा ठीक।